दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए रुके हैं तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे हर वीडियो हर टॉपिक में मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ। और काफ़ी हद तक आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, मैं विजय वेलकम करता हूं आपका द एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मटकियाँ, फ्रेंड्स मटकियाँ लगाने का सही समय क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि जून महीना अभी चल रहा है और इस महीने के 15 दिन निकल चुके हैं और 15 दिन अभी और बाकी है इस महीने को ख़त्म होने में। तो कई भाइयों के यहाँ जो है टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो चुका है, बारिश है और ये तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो चुका है और वो कह रहे हैं कि भाई मटकियाँ कब लगाएँ। और फ्रेंड्स, जैसा बात करूँ कि कई जगहों पर अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, गर्मियाँ बहुत तेज़ है। मैं बात करूँ जोधपुर की तो जोधपुर में काफ़ी गर्मी है और उमस भी बनी हुई है, हालत ख़राब करके रख दी है इस उमस ने और बर्ड्स भी काफ़ी परेशान है। लेकिन हालांकि मैंने कूलर वगैरह दे रखा है तो काफ़ी हद तक टेम्परेचर मेंटेन है। तो फ्रेंड्स, मटकियाँ कब लगानी है, सही समय क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मटकियाँ जब लगानी है फ्रेंड, मैं जब मटकियाँ लगाऊँगा वो मैं जुलाई के 15 तारीख के बाद लगाऊंगा फ्रेंड्स। उससे क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी जुलाई के 15 दिन बाद मटकी लगाते हैं, 15 तारीख के बाद अगर टेम्परेचर आपके यहाँ ठीक हो जाता है तो फ्रेंड्स उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर 15 तारीख को हम मटकी लगाते हैं तो बर्ड्स को सेट होने में, मटकियाँ चूज़ करने में ये 15 दिन निकल जाएंगे। 10 दिन बाद भी वो अंडे देते हैं तो फ्रेंड्स जब उनमें से बच्चे निकलेंगे, बच्चे जब सेल्फ होंगे तो सितंबर के लास्ट तक आपका फर्स्ट क्लच जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे जो चार क्लच है वो चार क्लच अगले साल के मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे और आपका गर्मी की वजह से एक भी बच्चा नहीं मरेगा। और जो मटकियाँ निकालने में कंफ्यूज होते हैं हमारे भाई, उनके पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फ्रेंड्स उनके पास मटकियों में बच्चे रहते हैं, क्योंकि उसका कारण यही होता है कि मटकियाँ जल्दी लगा दी जाती है और उनके पास पांचवा क्लच निकल आता है और जो लास्ट क्लच होता है वो ख़त्म होते होते गर्मियाँ बहुत ही तेज़ बढ़ जाती है, जिससे मटकी में जो चिक्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स मटकियों के अंदर नहीं जाते हैं, दाना कम खाते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से चिक्स को नहीं पाल पाते। तो फ्रेंड्स, अभी अगर जुलाई में मटकियाँ हम लोग लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि चार क्लच जो हैं हमारे, वो जो लास्ट क्लच आएगा वो मार्च में ही कंप्लीट हो जाएगा, मार्च लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जब लास्ट क्लच निकले उसके चिक्स ना मरे आपके पास, तो फ्रेंड्स मटकियाँ जो हैं वो आप जुलाई में 15 तारीख के बाद लगाएं, जिससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, आपके पास चिक्स नहीं मरेंगे लास्ट क्लच के, क्योंकि मार्च में ही लास्ट क्लच आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट मार्च जब एंड होगा उस समय चिक्स काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे, जिससे गर्मी की जो शुरुआती दिन होते हैं उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। पेरेंट्स जो हैं वो चिक्स को अच्छे से पाल लेंगे, बड़ा कर लेंगे और चार क्लच आपके पास बहुत ही अच्छे से निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।